बर्लिन सिंड्रोम कहानी शुरू होती है और हम एक ऑस्ट्रेलियन लड़की क्लेयर को देखते हैं जो कि एक फोटोग्राफर होती है और यहाँ वो अपने काम के सिलसिले में आई होती है। अब बर्लिन में रुकने के लिए वो एक होटल में रुकती है और तभी रात में उसे वहाँ कुछ दोस्त मिलते हैं जिसके बाद वो सभी लोग सुबह तक खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन क्लेयर जब अपना कैमरा लेकर बर्लिन में घूम रही होती है तभी उसे वहाँ पर एक लाइब्रेरी दिखती है जिसे देख वो उसके अंदर जाती है। तभी वहाँ उसे एक स्केच वाली मैगजीन काफी पसंद आती है और वो उसे ले लेती है। जब वो वहाँ से वापस आ रही होती है तो तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है जिससे उसकी सारी बुक गिर जाती है, पर तभी वो लड़का एंडी उसकी बुक उठाकर उसे देता है और उससे काफी अच्छी तरह से बात करता है। क्लेयर भी उससे बात करने लगती है। अब बात करते हुए एंडी उसे एक पार्क में लेकर आता है जहाँ वो उसे बताता है कि वो एक टीचर है। फिर वो क्लेयर से पूछता है कि वो क्या करती है, जिस पर क्लेयर उसे बताती है कि वो एक फोटोग्राफर है और बर्लिन में अपने काम के लिए आई है। अब क्लेयर भी इस शहर में अकेली थी इसीलिए वो उसके साथ पूरे दिन इस शहर को एक्सप्लोर करती है। अब शाम को एंडी क्लेयर को उसके होटल छोड़ने आता है। तभी हम देखते हैं कि अब एंडी को क्लेयर से प्यार हो गया है। वो उसका अजीब तरह से बाल टच करता है और ये देख क्लेयर को भी अजीब लगता है। इसके बाद जब रात में क्लेयर अपने कैमरे में फोटोज देख रही होती है तो वो एंडी की भी फोटो देखती है और कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करने लगी थी, इसीलिए अब वो अगले दिन उससे मिलने जाती है। लेकिन उसके पास ना तो एंडी का नंबर और ना ही उसका एड्रेस होता है, इसीलिए वो फिर से उसी लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो एंडी से पहली बार मिली थी और तभी वहाँ एंडी उसे मिल जाता है। अब यहाँ एंडी भी समझ जाता है कि क्लेयर उसे पसंद करने लगी है, जिसके बाद दोनों बाहर एक साथ कॉफी पीने जाते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ क्लेयर एंडी को काफी शरीफ समझ रही होती है पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब एंडी क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लेकर जाता है जो कि शहर से काफी दूर एक सुनसान जंगल के पास होता है और वहाँ पर आसपास कोई भी इंसान नहीं रहता था। लेकिन क्लेयर इन बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो अब एंडी से प्यार करती थी, जिसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाती हैं और यहाँ एंडी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है पर क्लेयर उसे फिर भी इग्नोर कर देती है और अब इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और ये रात बीत जाती है। अगले दिन एंडी स्कूल में होता है और क्लेयर घर में होती है। वो उस पूरे घर में घूमती है और फिर तैयार होकर बाहर निकलने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि दरवाजा लॉक होता है जिसके ऊपर एक लोहे की रॉड से लॉक लगा होता है। अब ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है पर वो इसे भी सीरियस नहीं लेती और सोचती है कि एंडी शायद उसे घर की चाबियां देना भूल गया होगा। अब सारा दिन क्लेयर उस घर में बिताती है और जब शाम को एंडी घर पर आता है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो कीस देना भूल गया था। इस पर वो कहता है हाँ, मुझे लगा कि मैं यहाँ रख कर गया हूँ पर मैं भूल गया था। क्लेयर उससे मजाक में बोलती है कि मुझे लगा कि तुमने मुझे यहाँ जानबूझकर कैद करके रखा है, पर एंडी उससे ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो बहुत ही शरीफ है और उसे कुछ नहीं पता, जिसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अब सुबह उसके जाने से पहले क्लेयर उससे पूछती है कि कीस कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि टेबल पर पड़ी हुई है और कीस देखकर क्लेयर दोबारा से सो जाती है। अब क्लेयर जब सोकर उठती है तो उसे एक फोटो मिलती है जो उसकी खुद की फोटो होती है और उसके शोल्डर पर लिखा होता है माइन। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। फिर वो कीज लेकर डोर ओपन करने लगती है लेकिन यहाँ पर जो कीज होती हैं वो गलत होती हैं क्योंकि एंडी उसे गलत चाबियां देकर गया था। और अब क्लेयर समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो उस डोर को नहीं खोल पा रही थी। उससे पता चल जाता है कि एंडी ने उसे यहाँ जानबूझकर बंद किया है। उसके बाद वो अपना फोन चेक करती है पर उसकी बैटरी लो होती है और जब वो अपना फोन चार्ज में लगाती है तो देखती है कि उसके सिम कार्ड से गायब हो गए हैं। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है। पहला ग्लास तो टूट जाता है पर उसके पीछे वाला ग्लास नहीं टूट पाता, जिससे क्लेयर समझ जाती है कि ये सब एंडी बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रहा था। और अब क्लेयर शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही एंडी दरवाजा खोलता है तो वो वहाँ से जाने की बात करती है लेकिन एंडी फिर से दरवाजा बंद कर देता है और लॉक लगा देता है। अब एंडी उस घर के हालात को देखकर समझ जाता है कि क्लेयर को सब पता चल गया है। तभी क्लेयर उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है।
एंडी कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ सारी जिंदगी रहना चाहती हो। दरअसल एंडी ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था, जिससे क्लेयर को समझते देर नहीं लगती कि एंडी एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी है। क्लेयर उससे काफी लड़ती है और कहती है कि मुझे बाहर जाने दो, जिस पर एंडी उससे बहुत मारता है। अगले दिन जब वो घर से बाहर जाने वाला होता है तो वो क्लेयर को बेड से बांध देता है और उसके नीचे पॉलीथीन बिछा देता है, क्योंकि वो उसे 2 दिन के लिए यहाँ बांध कर जाने वाला था और टॉयलेट के लिए उसने ये प्लास्टिक बिछाई होती है। अब एंडी अपने फादर से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंडी की पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो कहाँ गई किसी को पता नहीं। जब वो शाम को घर आता है तो क्लेयर को देखता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। यहाँ एंडी उसके लिए एक पजल लेकर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इस बात पर क्लेयर उसे बोलती है कि वो ठीक नहीं है। अगले दिन एंडी जब उसे दोबारा बांधने वाला होता है तो क्लेयर उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे ना बांधे, क्योंकि घर में लॉक लगा हुआ है, वो वहाँ से कहाँ जाएगी। जिसकी बात मानकर अब एंडी उसे नहीं बांधता, और जब एंडी वहाँ से चला जाता है तो क्लेयर उस घर में बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे सोफे के नीचे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। जब शाम को एंडी घर पर आता है तो क्लेयर उसके सामने ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। वो उस पजल को भी सॉल्व कर रही होती है, तभी वो एंडी की मदद मांगती है। जब एंडी उसे सॉल्व करने लगता है तो वो उसके हाथ में वो स्क्रू ड्राइवर दे मारती है। फिर वो उनकी इस रूम के बाहर तो चली जाती है, लेकिन अपार्टमेंट के बाहर वाला डोर भी लॉक होता है, जिससे वो उसे नहीं खोल पाती। और एंडी उसके पीछे आता है और गुस्से में उसकी उंगलियां तोड़ देता है, जिससे क्लेयर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और एंडी उसे उठाकर घर के अंदर लाता है। वो उसकी फिंगर पर पट्टी बांधता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंडी हमेशा क्लेयर की फोटोज भी लेता रहता था और काफी अजीब हरकतें करता रहता था। फिर हम एंडी को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी एक स्टूडेंट को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा होता है, मानो कि वो उसका अगला शिकार होने वाली थी। अब क्लेयर उस लॉक को खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उस लॉक को खोल नहीं पाती। अब इसी तरह क्लेयर को इस घर में कई दिन बीत जाती है। अब जब एंडी घर आता है तो वो उसके नाखूनों को काटता है, क्योंकि वो काफी बड़े हो चुके थे। फिर वो उसके हाथ की पट्टी को भी निकाल देता है और उसे नहलाता भी है। अगले दिन फ्रैंका एंडी के घर आती है, जो कि वही लड़की है जिसे एंडी स्कूल में अजीब नजरों से देख रहा था। और यहाँ पर एंडी क्लेयर से चुप रहने को बोलता है, लेकिन फ्रैंका क्लेयर को देख लेती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसके जाल में नहीं फंसता और उसे मना कर देता है। फ्रैंका गुस्से में वहां से चली जाती है, और अब क्लेयर भी समझ जाती है कि एंडी एक मेंटली पेशेंट है, और क्लेयर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आगे एंडी उसके साथ क्या करेगा। उससे बाथटब में एक लड़की के बाल भी मिलते हैं, और इस घर में एक रूम भी था जो कि हमेशा लॉक रहता था। बस एंडी उसके अंदर अकेला जाता था और उसके बाद वो रूम को लॉक कर देता था। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और क्लेयर सोचती है कि वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, और आखिर में वो हार मान जाती है। अब विंटर का सीजन आ जाता है और एंडी उसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के उसी अपार्टमेंट में छोड़ देता है, जिससे क्लेयर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और एंडी कई दिनों तक बाहर रहता है, क्योंकि उसके फादर की मौत हो चुकी थी। और एंडी जब घर आता है तो क्लेयर को अपने फादर के बारे में बताता है और रोने भी लगता है। उसे रोता देख क्लेयर को उस पर तरस आ जाता है, और फिर दोनों उसी रात इंटीमेट होती हैं, और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब क्लेयर को देखकर हमें पता चलता है कि अब वो खुशी से एंडी के साथ रहने लग गई है, पर अभी भी उसे एंडी के मन की बात पता नहीं होती कि वो आगे चलकर क्या करने वाला है। अब एंडी उसे एक डॉगी भी लाकर देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। और क्लेयर उससे पूछती है कि उसने कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया है। इस पर वो कहता है कि एक भी नहीं। अब काफी दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि एंडी क्लेयर को कार की डिग्गी में बंद करके एक सुनसान जंगल में ले जाता है, और अब वो उसे मारने वाला था, लेकिन क्लेयर की किस्मत अच्छी होती है और वहाँ दो बच्चे आ जाते हैं, जिसमें से एक बच्चा जख्मी होता है।
और उनके पीछे उनकी मॉम भी आ जाती है। क्लेयर उस लड़के को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं समझता और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एंडी क्लेयर को लेकर घर आता है। अब एक दिन एंडी जब घर पर नहीं था तो क्लेयर उसी रूम को खोलने की कोशिश करती है और वो उसमें एंटर भी हो जाती है। तभी वहाँ उसे एक फोटो एल्बम मिलती है जिसमें उसकी काफी सारी न्यूड फोटो होती है और एक फैमिली फोटो भी होती है। तभी उसमें कुछ लड़कियों की फोटोज भी उसे दिखती है जिससे वो समझ जाती है कि एंडी ने बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब किया है और लास्ट में उन्हें मार दिया है। क्लेयर ये भी समझ जाती है कि एंडी उसे भी मार देगा। क्लेयर यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर यहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं था। एक रात जब क्लेयर अपने अपार्टमेंट पर अकेली होती है तो वो वहाँ पर एक आदमी को देखती है जो कि यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आया था। वो जब अपनी लाइट फ्लैश करता है तो क्लेयर अपना हाथ हिलाकर उससे मदद मांगती है जिससे वो आदमी उसे देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए गेट खोलने वाला होता है कि तभी एंडी वहां पर आ जाता है और उस आदमी को जान से मार डालता है। अब क्लेयर ये देख लेती है, वो काफी घबरा जाती है। इधर एंडी उस लाश को वहां से ले जाता है और उसे जला देता है। तभी एक दिन क्लेयर देखती है कि एंडी कुछ बच्चों की नोटबुक लेकर घर पर आया है, इसीलिए वो प्लान बनाती है कि वो फ्रैंका की नोटबुक में अपनी एक पिक्चर रख देगी जिससे उसे पता चल जाए कि एंडी ने उसे यहाँ कैद करके रखा है और वो उसकी मदद के लिए आ सके। वो ऐसा ही करती है। वो पहले एंडी का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और आग में अपना हाथ जला देती है और फिर फ्रैंका की नोटबुक में अपनी फोटो रख देती है। अब अगले दिन फ्रैंका जब अपनी बुक खोलती है तो उसे वो फोटो मिल जाती है जिससे वो समझ जाती है कि क्लेयर खतरे में है। वो उसी वक्त वहाँ से उठकर भागने लगती है और गलती से उससे वो फोटो वहीं पर गिर जाती है और एक बच्चे को वो फोटो मिल जाता है जिसे वो एंडी को दे देता है। और अब यहाँ एंडी भी समझ जाता है कि अब उसका राज खुलने वाला है और वो जेल जा सकता है। एंडी फ्रैंका के पीछे भागता है लेकिन अब तक उसने क्लेयर को आजाद कर दिया होता है। अब क्लेयर एंडी को वहीं पर कैद कर देती है जहां पर उसने उसे कैद करके रखा था और एंडी उसी रूम में एक सोफे पर बैठ जाता है। फिर हम क्लेयर को देखते हैं जो एक टैक्सी में होती है और अब वो पूरी तरह आजाद थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।